जगदलपुर में स्काउट एवं गाइड के द्वारा मुख्य जिला आयुक्त के नेतृत्व में राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2024 हेतु राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षिका मीरा हिरवानी और शिक्षक अकबर खान को पुष्प गुच्छ तथा श्रीफल और साल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू ने भी दोनों शिक्षकों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई प्रेषित किया। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने कहा कि बस्तर से अध्यापन के अतिरिक्त ऐसे प्रेरणादायक और जन जागरण वाले कार्यों से बस्तर का नाम देश में ऊंचा किया है। यह सम्मान केवल शिक्षकों का नहीं अपितु बस्तर जिले का भी है। वहीं स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय पांडे ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षिका मीरा हिरवानी के नाम सामाजिक क्षेत्र में सभी परिचित हैं। उन्होंने स्काउट गाइड में कार्य करते हुए 46 गाइड छात्राओं को राज्यपाल और 2 गाइड छात्राओं को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कराने में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्रीमती मीरा हिरवानी दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा मुक्ति उबाल, वहां के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी काम किया है। संजय पांडे ने कहा कि अकबर खान कृत गांव में शिक्षक हैं। उन्होंने भूवर्गीय जल स्तर बढ़ाने के लिए छात्रों की सहायता से गांव के प्रत्येक घर में सोखता गड्ढा बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया और गड्ढे का निर्माण करवाया। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने जो काम किया है वह बेहद ही सराहनीय है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए दोनों शिक्षकों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया और यह सम्मान हमारे लिए गौरव का विषय है। हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हम जो राज्यपाल पुरस्कृत हमारे जिले के 2 शिक्षक हैं, आदरणीय मीरा हिरवानी मैडम, आदरणीय अकबर खान सर, आप सबको जिले से राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ऐसे दोनों शिक्षकों का सम्मान हम स्काउट एंड गाइड की तरफ से, हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद माननीय पार्षदगढ़ भी हैं, हमारे संगठन के लोग भी हैं, इनकी तरफ से आप सबका आज स्वागत कर रहे हैं। श्रीफल और साल और पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत किया गया है। देखिए, हिरवानी मैडम को शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं और ये जो अवार्ड है वो भी स्काउट गाइड में रहते हुए इन्होंने जो 42 बच्चों को राज्यपाल सम्मान दिलवाया और 2 बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड बनवाया उसके लिए भी, और समाज के क्षेत्र में भी आपने जो उल्लेखनीय काम किए हैं उसके संदर्भ में आपको ये अवार्ड मिला है। इसी प्रकार से अकबर खान सर, इनको करीत गांव के आप शिक्षक हैं और करीत गांव के क्षेत्र में आप जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबके घर में कच्चा गड्ढा ऐसा करके जो आंदोलन इन्होंने चलाया, सोखता गड्ढा वाटर हार्वेस्टिंग का एक क्रम है वो भी, और इस कारण से वहाँ पे जो वाटर मतलब पानी को बचाने के लिए जो एक मुहिम चली है गांव-गांव में हर घरों में, उसके लिए आपको भी इसका पुरस्कार दिया गया है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और इस प्रकार का हम इनका बल्कि सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम सम्मानित हो रहे हैं क्योंकि हम इनका सम्मान कर रहे हैं। शासकीय स्तर माध्यमिक शाला कन्या क्रमांक 2 में अभी मैं कार्यरत हूँ। इस मैंने 2003 में स्काउटिंग ज्वाइन किया है। जैसे स्काउटिंग ज्वाइन की है मैंने तो पहली बार बच्चों को स्केटिंग टूर में पचमढ़ी लेके गया, इसके बाद में 10 बच्चों को बांग्लादेश जम्बूरी के लिए सेलेक्ट हुए बच्चे, और बांग्लादेश में जम्बूरी में उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे बस्तर का नाम रोशन किया। इसके अलावा बच्चे लोग स्वीडन, फिलीपींस और बहुत पचमढ़ी, गढ़पुरी, हरियाणा, ऐसे बहुत जगह जम्बूरी में जाके बच्चों ने हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा हमारे स्कूल से बच्चे लोग हर साल 36 स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष लालबाग परेड मैदान में परेड में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सम्मान से आप सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विगत 40 वर्षों के प्रयास के बाद मुझे ये सम्मान मिला, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मोहम्मद अकबर खान, हम जो राज्यपाल पुरस्कार जो मिला है उसके लिए समाज में कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जो समाज को बदलाव की ओर ले जाए, तो हमने तो जैसे सर ने कहा कि सोखता गड्ढा, हमने एक नारा दिया था हर घर सोखता गड्ढा, घर घर सोखता गड्ढा, तो ये हमारे क्योंकि वाटर का जो जल स्तर है हर गाँव में भी कम होने लगा है, तो बच्चे लोग भूमिगत जल संरक्षण के ऊपर जागरूक हों, तो हम पूरे बच्चों के घरों में ये बनाते हैं, जो अच्छा बनाता है उस बच्चे को इनाम भी देते हैं। इसी प्रकार हमने एक और मुहिम चलाया है प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए, तो उसमें भी हमने कैंपेनिंग का अपना जो नारा दिया है एक बॉटल एक पेन प्लास्टिक मुक्त कैंपेन, तो इसमें बच्चे जो रहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को जो हराता है तो वो डब्बे में भर करके ला करके देते हैं और हमको प्रोत्साहन स्वरूप उनको एक पेन भी इनाम में देते हैं।
तो इस प्रकार से अभी 1000 बॉटल हमारे पास अभी जमा हो चुका है। तो इसी प्रकार बच्चों में पढ़ाई के साथ में जन जागरूकता वाले कार्य कराने होते हैं, साथ में नैतिक दायित्व और सामाजिक दायित्व को भी बच्चे समझें और उस कार्य को करें और समाज में बदलाव आए। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है तो यकीनन पढ़ाई के साथ में एक बदलाव समाज में दिखता है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप हैं, उसमें जागरूकता कितनी आ रही है लोगों में? जागरूकता अब जब बच्चों लोग से, अभी कुछ दिनों की बात है, सड़क पूरा कटा हुआ था तो वहाँ पे जब बच्चे अपने खुद से जा रहे थे तो वो बच्चे लोग खुद से उस सड़क का मरम्मत कर रहे थे। तो एक राहगीर ने उनसे पूछा कि भाई ये सड़क तो कटा हुआ है, आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल में भी मतलब ये सिखाया जाता है कि कोई अगर समाज के लिए कार्य करना चाहिए हमको, चाहे सड़क अगर कहीं कटा हुआ है तो उसको कुछ मिट्टी डाल के पाट दे, या भूमिगत, या कोई अगर बीमार है या नशा मुक्ति है, तो जो समाज में एक बच्चे को जो आदर्श, जो सर्व, जो शिक्षक जो रहता है ना, वो समाज का निर्माता रहता है, वो सभी चीज़ों को सिखाता है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, वो सारी चीज़ें भी हम सिखा रहे हैं। और बच्चों में आप जब उनसे बात करेंगे देखेंगे तो अपने घर घर में भी इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं, जागरूकता अभियान वो लोग संदेह चलाते भी हैं अपने गाँव में।